आपका स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमलाइज्ड एगलेस ब्रेड पुडिंग जो ऑल टाइम सबकी फेवरेट है। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये हमने ली हैं 3 ब्रेड, ये वाइट ब्रेड ली हैं, इसकी जगह आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। और इसके किनारे हमने काट लिए हैं और इसको हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के और इसका पाउडर बनाएंगे, यानी मिक्सी में इसे ग्राइंड करेंगे। अब हमने ब्रेड को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और इसे प्लेट में निकाल लिया है। अब देखते हैं इसके लिए हमें और क्या चाहिए। हमने ली है 1/2 कप चीनी और ये 200 ml दूध है। 200 ml दूध, 1 कप जो चाय का कप होता है उतना होता है ये। तो इसको हम डाल लेंगे एक फ्राई पैन में और इसमें हम चीनी डाल देंगे और इसी में हम ये 2 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड पाउडर है ये भी हम डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर देंगे ठंडे दूध में। सबसे पहले हम जो ये हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है इसको अच्छे से डिसॉल्व करना है इसमें मिक्स करके, ताकि कोई गांठ ना रह जाए इसमें। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और कस्टर्ड पाउडर भी मिक्स हो गया है। और अब हम इसे बिल्कुल सेम आंच पर लगातार चलाते हुए गैस पर रखेंगे। हमने सिम आंच पर इसे रख दिया है और अब दूसरी गैस पर हम चीनी को कैरेमलाइज्ड करेंगे। तो उसके लिए हमने ली है 2 टेबल स्पून चीनी और इसको हम फैला देंगे इस तरीके से और गैस को हम मीडियम पे रखेंगे, ना सिम रखेंगे और ना बिल्कुल फुल रखेंगे, मीडियम रखेंगे गैस। और इसको हमें बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, इसी तरीके से धीरे धीरे चीनी मेल्ट होके कैरेमलाइज्ड अपने आप हो जाएगी। ये हमने केक टिन ले लिया है और इसमें हमने ऑयल लगा लिया है चारों तरफ। ये चीनी कैरेमलाइज होना शुरू हो गई है और इसमें हमें कोई भी चम्मच या कुछ भी चलाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से कैरेमल होने देना है इसको। और लेकिन इस स्टेज पे हम आंच को बिल्कुल सिम कर देंगे ताकि चीनी बिल्कुल जले ना। चीनी कैरेमलाइज्ड हो चुकी है, गैस को कर देते हैं हम बंद और इसको हम जो हमने ग्रीस किया हुआ ये टिन रखा था उसमें डाल देंगे। और ये तुरंत डालनी है नहीं तो ये ठंडी होके बिल्कुल जम जाएगी। अब दूध में उबाल आना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो ब्रेड क्रम्स को 2 पार्ट में डालेंगे, पहले थोड़ा डालेंगे और उसके बाद मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने के बाद सारे ब्रेड क्रम्स हम डाल देंगे। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं और जब कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो उसके साथ आप कोई फ्लेवर डाल दें। अब ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और गैस को अब हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। अब ये मिश्रण ठंडा हो चुका है, यानी ठंडा होने का मतलब है ये गुनगुना है, बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो ये जमना शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको गुनगुने को ही हम इस मोल्ड में डाल देते हैं। और अब हम इसे बेक नहीं करेंगे, इसको हम स्टीम करेंगे। तो स्टीमर मैंने तैयार कर लिया है, स्टीमर बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे स्टीम होने के लिए रखते हैं और 20 मिनट इसको हम स्टीम करेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम पुडिंग को चेक करते हैं।
पुडिंग बन चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार बीच में से चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक निकली है, थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है, लेकिन ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इस पुडिंग को निकाल लेते हैं और इसे आधे घंटे के लिए ठंडा करेंगे। पुडिंग ठंडी हो चुकी है और ठंडी होने के बाद इस पुडिंग ने सारे किनारे छोड़ दिए हैं और अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे, यानी हम इसे प्लेट में निकालेंगे। तो प्लेट में निकालने का तरीका ये है कि इस पुडिंग को हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर रखेंगे प्लेट, जिस प्लेट में हमें प्लेटिंग करनी है, और उसके बाद इसे उल्टा कर देंगे और प्लेट को सीधा रख लेंगे और इस तरीके से थपथपा के और पुडिंग को डीमोल्ड कर देंगे और बहुत ही बढ़िया पुडिंग बनकर तैयार है। पुडिंग बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसका ऊपर वाला हिस्सा ठंडा होने के बाद मोल्ड में ही रह गया था, तो मोल्ड में से हमने थोड़ा सा मोल्ड को गर्म किया और उसके बाद इस हिस्से को निकाल लिया और थोड़ी सी इसमें जो शुगर मेल्ट हुई है, जो कैरेमलाइज शुगर थी वो इसमें जो बची हुई है, वो हम इस तरीके से मोल्ड वाली शुगर बची हुई भी डाल देंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया और सॉफ्ट पुडिंग बनकर तैयार है। तो जल्दी से बनाइए इसको और अपने परिवार के साथ इसे एंजॉय कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।